यूपी के बाराबंकी में अचानक 3 मंजिला मकान ढहने के बाद मलबे में दबे लोगों को 12 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका है। हादसे की खबर जैसे ही पड़ोसी जनपद सीतापुर के वासिंदों को हुई, लोगों की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि बताया जाता है कि हाशिम के पूर्वज जनपद सीतापुर के ही रहने वाले थे। कई साल पहले यहाँ से जाकर वह बाराबंकी के फतेहपुर में बस गए थे, तब से परिवार वहीं रह रहा है। यही नहीं, सीतापुर शहर के मुंशीगंज निवासी खलील साइकिल वाले की बेटी, घर का नाम शबनम, हाशिम के परिवार में ब्याही है। घटना की जानकारी जैसे ही खलील को हुई कि घर में कोहराम समझ गया। यह देख आसपास के लोग भी खलील के घर पहुंचकर हालचाल लेने में लग गए। घटना की जानकारी होने के बाद आनन फानन परिवार के सभी सदस्य बाराबंकी के फतेहपुर के लिए रवाना हो। बताया जाता है कि खलील के बेटे शकील, अकील आदि परिवार के साथ लखनऊ गए, जहां उनकी बहन घायल शबनम का इलाज चल रहा है। उधर घटना की जानकारी पाकर राज्य मंत्री सतीश शर्मा व कुर्सी विधायक साकेन प्रताप वर्मा, बाराबंकी के डीएम, एसपी, एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा फतेहपुर नगर अध्यक्ष इरशाद कमर सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। हालांकि मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकान किस वजह से ढह गया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं पता चल सकी, लेकिन दबी जुबान चर्चा है कि जो मकान ढहा है उसमें बारूद का काम होता था, जबकि कुछ लोगों का कहना है यहां बैटरा और इन्वर्टर बनाने का काम किया जाता था। रविवार रात करीब 3 बजे बाराबंकी के फतेहपुर निवासी हाशिम का 3 मंजिला मकान अचानक भरभराकर ढह गया। इसके साथ ही पड़ोस के एक मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हाशिम का मकान जिस समय भरभराकर गिरा, परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। हादसे में हाशिम की 22 वर्षीय बेटी रोशनी और इस्लामुद्दीन का 28 वर्षीय बेटा हकीमुद्दीन की मौत हो गई, जबकि हाशिम की 50 वर्षीय पत्नी शकीला, 8 वर्षीय पुत्री जैनब, 12 वर्षीय बेटी महक, 16 वर्षीय समीर, 26 वर्षीय सलमान, 24 वर्षीय सुल्तान घायल हुए। इसके अलावा 20 वर्षीय जफरुन हसन पुत्र इस्लामुद्दीन और उसकी माँ उम्मे कुलसुम पत्नी इस्लामुद्दीन 47 वर्षीय को गंभीर चोटें आई, जबकि मोहम्मद आजम पुत्र मोहम्मद हाशिम और अल्तमश पुत्र इस्लामुद्दीन को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बताया जाता है कि हाशिम के परिवार में 20 लोग थे। हाशिम इन दिनों लखनऊ में भर्ती हैं। उनके बीमार होने पर परिवार के 4 सदस्य लखनऊ चले गए थे। आसपास के लोगों के मुताबिक रात 3 बजे बहुत तेज धमाके जैसी आवाज आई, इससे लोगों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने अपने घरों से बाहर निकल कर देखा तो पता चला कि हाशिम का पूरा मकान गिर चुका था। घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय नागरिकों ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। लगभग 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया। एसडीएम फतेहपुर पवन कुमार ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि मलबे में कुल 14 लोग दब गए थे, इनमें से 12 लोग निकाल लिए गए, 2 लोगों की मौत हो गई है। अभी 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। मकान अचानक भरभरा कर क्यों गिर गया, इसके कारणों का पता अभी नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। Thank you.
नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।